बहुत स्कंद पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा थी। बलराम ने अपनी बहन का सुभद्रा का कन्यादान किया, छोटी है ना, और छोटी बहन तो कन्या की तरह होती है, बड़ी बहन मां की तरह होती है। कन्यादान किया बलराम, स्कंद पुराण की कथा है। बलराम ने कहा, सुभद्रा मैं आज बहुत खुश हूं, दुख तो है कि तू अपनी ससुराल जाएगी, लेकिन मैं प्रसन्न हूं, मैंने कन्यादान किया है, तू मुझसे कुछ मांग ले। सुभद्रा की आंख में आंसू आ गए और वह बोली, भैया कलयुग आ रहा है, पता नहीं उस कलयुग में भाई लोग बहन को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मेरी प्रार्थना है कि आने वाले कलयुग में भी मेरे भाई मुझसे अलग ना हो पाए, मैं अपने भाई से अलग ना हो पाऊं। बलराम जी ने कहा, ऐसा ही होगा, उसी वरदान की वजह से आज तीनों के तीनों समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठे हुए हैं। मैंने पढ़ा है जो भाई अपनी बहन से लड़ते हैं, बोलचाल उन्होंने बंद कर रखी है, उनको जगन्नाथपुरी की यात्रा दर्शन करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यह जिंदगी का दुर्भाग्य है कि बहन से बोलचाल बंद हुए, एक उगर पक्षी की तरह, ये बहुत सीधी है, ये तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा करती है। ससुराल में जब इसको दिक्कत परेशानी, इसको परेशान किया जाता है, तो ये नहीं कहती कि मेरा बाप थानेदार है, ये जरूर कहती है, मुझे बिना भाइयों वाला मन समझ लेना, मैं चार चार भाइयों की बहन हूँ, सीधा करवा दूंगी। इतना बड़ा भाई के ऊपर इसको अधिकार होता है। वो सुपर्णखा को ही देख लीजिए, वो अपने अपना भरोसा भाई के ऊपर जताती है। रावण कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर एक तो गुण है ना, अपनी बहन के सम्मान के लिए उसने अपने पूरे कुनबे को खपा दिया। आखिर में ये तो उसके पास में था कोई गुण। इसका मतलब है भगनी का आदर, बहन का मान। बस सिर्फ बलि की कथा, बलि 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 बलि, ये सबको बताए बलि, लेकिन कथा में जो एक सूत्र है, कथा में एक सार है, राजा बलि की कथा सुनने के बाद भी यदि भगनियों का सम्मान नहीं है, तो फिर उन कथाओं का कोई भी मतलब नहीं है। परीक्षित राजा ने बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का किया, कहा, गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने प्रथम स्कंद में 24 अवतार सुनाए थे भगवान के, तो उसमें आपने एक मत्स्य अवतार सुनाया भगवान, ये मत्स्य अवतार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आप सुना देते तो बहुत आपकी बड़ी कृपा होती। तो इतक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायण वाच चरितम विष्णु मत्स्वरूपेण यत्कृतम। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषि हो, राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मछली क्यों बने, मत्स्य भगवान क्यों बने, मछली क्यों बने, आप यह बताएं। तो सुकोवाच, भगवान सुखदेव बोले कि गौ विप्रसुर साधूनां छंदसाम पिचिस्वरा रक्षामि चन्तनुर्धत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैवहि। गौ विप्रसुर साधूनां, परमात्मा गाय के लिए आता है, परमात्मा ब्राह्मण के लिए आता है, परमात्मा देवता और महात्माओं के लिए आता है, छंदसाम अपि, परमात्मा वेदों की रक्षा के लिए आता है। ईश्वर का आने का कारण यह है, रक्षा मिस तनु धरते, उसको धरती पर आने की कोई सगुण बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वर्णन यह किया गया है कि भक्तों के लिए ही वो मनुष्य शरीर धारण करके, विविध प्रकार के शरीर धारण करके, धर्मस्यार्थश्चैव, धर्म को बचाने के लिए भगवान प्रकट होता है। ईश्वर धर्म को बचाने के लिए ऊपर से नीचे चल के आता है, और हम लोग धर्म को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल के आ पाते हैं। जिंदगी वही है जिस जीवन से धर्म की सुरक्षा, हर प्रकार से धर्म का रक्षण कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। गो विप्रदेव साधु नाम च रक्षा में छन हरि अवतारम धत्ते। शुभदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इन लोगों की रक्षा के लिए भगवान बार बार धरती पर आकर के अपना अवतार धारण करते हैं। तुमने पूछा कि भगवान मत्स्य कैसे बने, क्यों बने, तो तत्र कश्य सत्यव्रतो नामा राजर्षि तपस्तपे। मृत्यु लोक में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सत्यव्रत। आसी दत्ती कल्पांते ब्राह्मो ने मित्त कुलया समुद्रो प्लवता स्तव लोका भूरा दयुन्नप। जब सृष्टि का प्लय हो रहा था, उससे 7 दिन पहले ही अवतार हुआ, सृष्टि के प्लय के
परीक्षित 7 दिन पूर्व ये हुआ अवतार। और अवतार कैसे हुआ, कहा गया यो सा अस्मिन् महाकल्पे तनया सा वैवस्वता श्राद्ध देव इति ख्यातो मनुते हरिणार्पिता। इनका नाम श्राद्ध देव मनु था। श्राद्ध देव इति ख्यातो, लोग इनको श्राद्ध देव के नाम से जानते थे। मनुओं में इनका नाम आया है और बड़े आनंद के साथ आया है। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जल तर्पणम तस्यांजल को दके काशिर सफर ये का विपद्यता। एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भले ही श्राद्ध 1 साल के बाद आते हैं, वर्णन किया है इस ग्रंथ में जो हर अमावस्या को अपने पूर्वजों के लिए जलांजलि प्रदानित करते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में कभी भी अकाल मौत नहीं होती, उस परिवार की उम्र बढ़ती है। अमावस्या को रात्रि के समय तिल के तेल का दिया जला करके रखा जाए पूर्वजों के निमित्त, एक अंजलि दक्षिण हाथ से ऐसे जल डाला जावे तो पुरखे तृप्त हो जाते हैं। हर अमावस्या को होना चाहिए। ये राजा हर अमावस्या को ऐसा करते थे। कृतमाला नाम की नदी के किनारे पर वह पहुंचे, कुर्वत ही जल तर्पण ही, वह अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने को जा रहे थे। तो तस्यांजल कूद के काज सफरिया कहते हैं मछली, संस्कृत का शब्द है। तो हाथ में वो मछली चल करके आ गई। सत्य व्रतंजलि गताम सहत तोयिन भारत, उन्होंने उस मछली को कमंडल में रख लिया, लेकिन उसका शरीर ऐसे बढ़ रहा था कि वो कमंडल में नहीं समाती। तो राजा ने अपने आंगन में एक हौदी बनी हुई थी, हौद बना हुआ था, उसको उसमें छोड़ दिया, लेकिन वो वहां भी बड़ी हो गई, उसमें भी नहीं समा रही थी। बड़ी अद्भुत कथा सुनिए। फिर राजा ने उस मछली को लिया और उन्होंने उसको नदी में छोड़ा, नदी तोये सफरिम द्रवड़े स्वरा, लेकिन वो मछली नदी में भी नहीं समा रही थी। उसके तत्पश्चात उन्होंने उसको सागर में समुद्र में छोड़ दिया, और जैसे ही समुद्र में उसको छोड़ा उसी समय उसमें से विकराल रूप धारण करते हुए पूरा शरीर मछली का था, लेकिन मस्तिष्क उसमें भगवान नारायण का मस्तिष्क था। भगवान नारायण का मस्तिष्क वर्णन किया गया है कि हाथ जोड़ लिए राजा ने, तमाह सात करुणम महाकारुणिकम नृपम नो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्साया बपुर्धम। भगवान धन्य हैं आप, जगत कल्याण के लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया है। भगवान तस्यादीन तरुम वाक्यम मा श्रुत समहीपति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, परमात्मा को दीन वचन अति प्रिय लगते हैं। जब भी कभी भगवान की आरती होती है, आरती होते समय देवता की सीधी दृष्टि आरती करने वाले भक्तों की तरफ होती है। आरती के समय पर या तो हाथ में ताली हो या उनकी करांजलि ऐसे जुड़ी हो हाथ। बहुत लोग तो बगली खुजाते रहते हैं, सिर खुजाते रहते हैं, नथुआ में उंगली डालते रहते हैं, ना तो हाथ जोड़ेंगे ना भगवान को ताली बजाएंगे। ऐसा सबूत कुछ लोग ऐसे आदत के मजबूर होते हैं, कुर्सी पर बैठेंगे तो एक टांग हल रही होगी ऐसे अपने आप, किसी सोफा पर बैठेंगे तो उसके धागे निकाल रहे होंगे। एक कोई श्रीमान जी आश्रम में सोफे पर, मैंने कहा दान में नहीं मिला है, खरीद के लाए, काहे को इनके रोमे निकाल रहे, वो हमें आदत है, का ऐसी भी आदत होती है। बहुत लोग नकुआ में उंगली डालते रहेंगे, इतने गंदे ऐसे क्या बोले भैया। आरती में हाथ नहीं जोड़ेंगे बिल्कुल भी, देवता को खड़े रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सफेदा के पेड़ की तरह। इसमें वर्णन है ज्ञात घातव्यो दीना मा दीन वत्सलः, हाथ जोड़ करके आज सत्य व्रतो अंजलिम यादेव्यो ज्ञात घातव्यो दीना वत्सलः, हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हो गए। तस्या दीन तरम वाक्यम, दीन भाव से बोलने लगे, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, मेरे लिए आप आदेश कीजिए। ना हम कमंडलावस्मिन कृष्णम वस्तु मिहोत्सये कल्पयो कई सुबुलम यतायम निवसे सुखम। जब तुम मेरे कमंडल में नहीं समाए मुझे तो तब ही पता लग गया था कि आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा मछली के रूप में चल के आ गया। ये कथा कहते हैं कि ईश्वर कोई भी रूप धारण करके आ जाएगा हमारे कल्याण के लिए, कृपा करने के लिए। और इसमें एक बात और कहिए परीक्षित, जो भगवान का भक्त बन करके जीता है परमात्मा हर रोज किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देने के लिए आता है।
हम उसे पहचान नहीं पाते।